सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी डे 102 की सुबह की शुरुआत के साथ, जहां पर बजा एक एनर्जेटिक गाना और ये घर वाले उस गाने पर डांस करते हुए नजर आए। इसके बाद घर में एंट्री होती है तीन नए मेहमानों की और वो मेहमान होते हैं प्रियांक शर्मा, काम्या पंजाबी और गौतम गुलाटे। और इन तीनों के घर में आने का मकसद था एक टास्क, और इस टास्क के लिए घर के बाहर गार्डन एरिया में लगाया गया एक नल और दो वाटर टैंक रखे गए, जिनमें से एक वाटर टैंक था घर वालों का और एक था इन मेहमानों का। और इन मेहमानों और घर वालों को उस वाटर टैंक को भरना था और इन्हें बाल्टी भरकर अपने इन दोनों वाटर टैंक्स को भरना है। जिसका वाटर टैंक कम समय में सबसे ज्यादा भरा हुआ होगा वही जीत जाएगा ये टास्क। इस टास्क के लिए मेहमानों की एक टीम जिनमें थे गौतम गुलाटी, प्रियंक शर्मा और काम्या पंजाबी, और घर की तरफ से तीन सदस्य दीपक ठाकुर, सुरभि राणा और रोमल चौधरी, इन दो टीम्स के बीच में हुआ ये टास्क। काम्या पंजाबी ने शुरुआत में तो ये कहा कि ये टास्क आप ही लोग जीतोगे, हम चाहे जीते ना जीते, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ये टास्क शुरू किया। गौतम रोड सुरभि राणा को बहलाते फुसलाते हुए नजर आए, लेकिन दीपक ठाकुर बार बार में यही कह रहे थे ये शिकारी है, तुम्हें दाना डाल रहा है लेकिन चिड़िया तुम्हें फंसना नहीं है। और फिर इस दौरान ये गेम काफी अग्रेसिव हो जाता है और ये तीनों मेहमान कहते हैं कि भाई ये बड़े ही अग्रेसिव खेल रहे हैं, और गौतम तो रोमिल चौधरी से इतने गुस्सा हो जाते हैं कि रोमिल तुझे यहाँ तो कुछ नहीं कहूँगा, बाहर मिल फिर बताता हूँ तुझे। इन घर वालों के इस अग्रेसिव गेम को लेकर गौतम श्रीसंत और केवी से भी बातचीत करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ खास कर नहीं पाते हैं। इस दौरान गौतम एक नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कोई कुशन उठाकर लेकर आते हैं और उसे भिगो कर और फिर अपना टैंक भरने की कोशिश करते हैं, तो दीपिका उन्हें मना कर देती हैं और फिर वो कहते हैं कि हम अपनी टी शर्ट यूज कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ दीपक ठाकुर अपनी टी शर्ट से ही अपने टैंक को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस तरह से ये टास्क काफी ज्यादा रोमांच भरा होता है। इसके बाद बारी आती है मिडवीक इविक्शन की। सभी सदस्यों को बाहर गार्डन एरिया में बुलाया जाता है और उन्हें एक पोडियम पर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद बिग बॉस इन घर वालों को बताते हैं कि अब वक्त आ गया है मिडवीक इविक्शन का, और अब आप घर वाले ये चुनाव करें कि आपके हिसाब से बॉटम टू कंटेस्टेंट्स कौन हो सकते हैं। तो सभी घर वाले अपना अपना वोट देते हैं और सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं रोमिल चौधरी और सुरभि राणा को, और फिर ये दो सदस्य होते हैं बॉटम टू और फिर इन दोनों को खड़ा किया जाता है एक पोडियम पर, और फिर बिग बॉस अपना डिसीजन सुनाते हुए ये कहते हैं कि अब वोटिंग का रिजल्ट आ गया है और उन वोटिंग के हिसाब से रोमिल चौधरी और सुरभि राणा इन दो सदस्यों के इस घर में कुछ ही पल बचे हैं। इसके बाद इनमें से कोई एक सदस्य होगा घर से बेघर, और इस तरह से फिर बिग बॉस बता ही देते हैं कि सुरभि राणा इस घर से हो रही हैं बेघर। ये फैसला सुनने के बाद सारे घर वाले काफी सरप्राइज और शॉक नजर आते हैं। फिर भी सभी घर वाले सुरभि राणा से मिलते हैं और सुरभि चली जाती हैं बिग बॉस हाउस से बाहर। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बताए गए डे 102 की हाइलाइट्स। अगर आप बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।